बेटी आराध्या बच्चन को आखिर क्या बनाना चाहती हैं उनकी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन। दोस्तों आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन जो कि अब बड़ी हो गई है। बता दें कि 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या राय ने जो कि शादी की थी और उसके बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम है आराध्या बच्चन। आराध्या बच्चन का जन्म 16 नवंबर 2011 को हुआ। अब सोशल मीडिया यूजर्स आराध्या बच्चन को लेकर एक सवाल कर रहे हैं, जहां पे ये कह रहे हैं कि क्या आराध्या बच्चन जो कि पढ़ाई नहीं करती हैं और आखिर आराध्या बच्चन स्कूल क्यों नहीं जाती, क्योंकि अक्सर अगर देखा गया है कि आराध्या बच्चन को जो कि अपनी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ देखा जाता है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो, चाहे वो वेडिंग पार्टी, चाहे फिर वो बॉलीवुड की कुछ भी हो, आराध्या बच्चन को जो कि ऐश्वर्या अपनी मम्मी के साथ जो कि हर वक्त देखा जा सकता है। जिससे फैंस कमेंट कर अब ये पूछ रहे हैं कि आराध्या बच्चन आखिर पढ़ाई नहीं करती। बता दें कि आराध्या बच्चन अपनी स्कूली पढ़ाई जो कि धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से कर रही हैं और उनकी माँ ऐश्वर्या बच्चन आखिर अपनी बेटी आराध्या को क्या बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर आराध्या बच्चन बड़ी होकर क्या करेंगी। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि अपनी बेटी को फिल्मी दुनिया से बहुत ही दूर रखने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐश्वर्या का ये कहना है कि उनकी बेटी जो कि एक्ट्रेस ना बने। नहीं कि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है जिनको मिस यूनिवर्स का जो कि खिताब भी मिला है, लेकिन ऐश्वर्या पूरी तरीके से चाहती हैं कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन जो कि फिल्मी दुनिया से दूर रहें और वो पढ़ लिख कर जो कि एक डॉक्टर बने और उसके बाद जो कि वो लोगों की सेवा करें। अभिषेक बच्चन भी यही चाहते हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन भी यही चाहती हैं। तो सोशल मीडिया यूजर्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सवाल कर रहे थे। तो बॉलीवुड से जुड़ी और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।